अस्सलाम वालेकुम क्लास, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। कोरोना वायरस की वजह से हमारी क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो सकती, इसके लिए हमने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया है। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम फर्स्ट टर्म को ही कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट टर्म में हमने चैप्टर नंबर 1 खुदा की मेहरबानियाँ मुकम्मल कर लिया है। आज हम चैप्टर नंबर 2 शाहरा रेशम एक तारीखी रास्ता कंटिन्यू करेंगे। शाहरा रेशम एक तारीखी रास्ता, पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे जैसा कि हम क्लास में करते थे। रीडिंग करने के बाद ही इसकी एक्सरसाइज की जानिब आएंगे। जी क्लास, शाहरा रेशम एक तारीखी रास्ता। शाहरा रेशम एक तारीखी रास्ता, शाहरा शाहरा का मतलब है सड़क, रेशम रेशम के नाम से मशहूर थी, एक तारीखी रास्ता यानी कि शाहरा रेशम एक तारीखी रास्ता के नाम से मशहूर है। चीन और पाकिस्तान के दरमियान दुनिया के बुलंदतरीन पहाड़ कराकरम वाकिया हैं, मगर पाकिस्तान ने दोनों मुल्कों के रास्ते में हाय इस रुकावट को दूर कर लिया है। अपने दोस्त मुल्क चीन की मदद से पाकिस्तान ने कराकरम पहाड़ों को काट कर एक सड़क तामीर की है, जिसे शाहरा कराकरम या शाहरा रेशम कहा जाता है। इतने बुलंद और बर्फपोश पहाड़ों से सड़क गुजारना एक ऐसा कारनामा है जिस पर पाकिस्तानी और चीनी माहरीन और मेहनत कश बजा तौर पर फख्र कर सकते हैं। यानी ये जो शाहरा रेशम है, ये पाकिस्तान और चीन के दरमियान पहाड़ों को काटकर तामीर की गई है। ये दुनिया की बुलंदतरीन सड़क है। इस सड़क की तामीर का मरहला तकरीबन 20 साल में तय हुआ। तामीर के दौरान 900 से ज्यादा अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे। इस अजीम शाहरा की लंबाई 1300 किलोमीटर है। ये इंपॉर्टेंट बात है, आपने इसको याद रखना है। इस अजीम शाहरा की लंबाई 1300 किलोमीटर है, जिसमें 800 किलोमीटर पाकिस्तान और 494 किलोमीटर चीन में है। इसके एक तरफ पाकिस्तान के शहर हसन अब्दाल तो दूसरे सिरे पर चीन का शहर काशीगर है। दरियाए सिंध, दरियाए कलकत, दरियाए हंजा, नागा पर्वत, राका पोशी और इसके साथ साथ वाकिया है। ये काम कितना दुश्वार गुजार था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस शाहरा को दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है। अजूबा यानी कि बहुत बड़ी चीज जब देखे तो उसको अजूबा ही कहा जाएगा, जो देखने में अजीब लगे। कदीम जमाने में अगरचे यहाँ कोई बाकायदा सड़क नहीं थी और ना ही सफर की सहूलतें मौजूद थी, मगर इसके बावजूद तकरीबन 1000 साल तक इस रास्ते से चीन का रेशमी कपड़ा और दूसरा सामान लाया जाता रहा है। इसी नस्बत से ये रास्ता तारीख में शाहरा रेशम के नाम से मशहूर हुआ। ये रास्ता नहायत दुश्वार गुजार, मुश्किल, जिससे गुजरना मुश्किल हो और खतरनाक था। चीन तक पहुंचने के लिए दुनिया के बुलंद तरीन और खतरनाक पहाड़ों के अलावा अफगानिस्तान और ईरान की सख्त गर्म और खुश रेगिस्तान भी अबूर करना पड़ते थे। इसके बावजूद ऊंट, घोड़ों और खच्चरों पर सवार ताजरों के काफले सैकड़ों वर्ष तक चीन पहुंचते रहे। कई लोगों ने रास्तों की सौतों, गर्मी, सर्दी के हाथों अपनी जान भी गंवाई, मगर चीन के साथ तजारत जारी रही। चीन, मिस्र, ईरान और रूम की तरक्की में शाहरा रेशम का बहुत अहम किरदार रहा है। नेक्स्ट पेज है। उस जमाने में वस्त एशिया में मुसलमानों की अजीमुलशान रियासतें कायम थीं। ये मुस्लिम ममालिक तरक्की, खुशहाली और साइंसी तहकीक में दुनिया में पेश पेश थे। इसके शहर बलख, बुखारा और समरकंद वगैरह ना सिर्फ अपने हसीन बागात, खूबसूरत सड़कों और आलीशान इमारतों की वजह से मशहूर थे, बल्कि यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी मंडियाँ और बाजार भी थे। इनमें दुनिया भर की तजारती अशिया की खरीदो फरोख्त होती थी। दूर दूर से आई हुई नादिर और नायाब चीज़ें यहाँ की दुकानों की जीनत बनती थी। इन बैन अवी मंडियों में दुनिया की 20 से ज़्यादा जुबानें बोली और समझी जाती थी। आग ताजों के जरिए यूरोप में चीन का रेशम सैकड़ों साल तक पहुंचता रहा। उस जमाने में सिर्फ चीनी लोग शहतूत के पत्तों पर कीड़े पाल कर रेशम बनाते थे। चीन से यह फन यूरोपी लोगों ने सीखा। वस्त एशिया की मंडियों से आग ताजर चीन का आला रेशमी कपड़ा, हिंदुस्तान का गर्म मसाला, कीमती पत्थर और नायाब फल हरी को यूरोप में फरोख करते थे। ये बेश कीमत सामान वहां सिर्फ उम्रा और शाही खानदानों के अफराद के इस्तेमाल में आता था। उस जमाने में यूरोप में इतनी गुर्बत थी कि आम आदमी उन चीजों को खरीदने का तसव्वुर नहीं कर सकता था। चीन में कागज इजाद हुआ तो मुसलमानों ने कागज बनाना सीखा। मुसलमानों के जरिए ये फन यूरोप में पहुंचा। उस जमाने में मगरबी ममालिक को तेल और कोयले का इल्म नहीं था, इसलिए ये बात अचंभे की बात है, हैरानगी की बात है कि चीनी लोग जमीन में से एक पत्थर निकालते हैं जिसे वो ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जिसे जलाने से आग पैदा की जा सकती है। कोयले और तेल का इल्म हो गया तो यूरोप ने इन मादनियात से खूब इस्तेफादा हासिल किया। इस्तेफादा यानी कि खूब इल्म हासिल किया। यूरोप को नादिर एशिया के अलावा मालूमात और इल्म के खजाने भी हासिल हुए। उन्होंने कारखाने और सनतें कायम की और इस तरह यूरोप में तरक्की के दौर का आगाज हुआ और जदीद दुनिया की तमीरों
तरक्की की नई राहें खुली। इस तरह शाहरा रेशम को अगर तरक्की की राह कहा जाए तो बेजाना होगा। क्लास यहाँ तक हमने इस चैप्टर की रीडिंग की, आपको पता चल गया कि इस चैप्टर में क्या क्या है, लेकिन बात याद दहानी की ये है कि इस चैप्टर में शाहरा रेशम जो कि तरक्की की राह जिसको कहा गया है, लास्ट में भी आपको बताया गया है इस शाहरा रेशम को अगर तरक्की की राह कहा जाए तो बेजाना होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने चीन से सीखा और फिर ये मगरबी ममालिक में ये सारा तकसीम हो। क्लास जैसा कि लेक्चर वन में हमने चैप्टर की रीडिंग कर ली है, अब नेक्स्ट हम करते हैं इल्फाज़ की, जो इस चैप्टर में मुश्किल अल्फाज हैं उनके मायने बताऊंगी। आपने इनको सेम एसेंटेंस अपनी नीट कॉपी पे राइट करना है। इल्फाज़ मायने, फर्स्ट वन है बर्फ पोश, मायने है बर्फ से ढके हुए। नेक्स्ट है नादिर, बहुत कीमती। नायाब का मायने है मुश्किल से मिलने वाली, दुश्वार गुजार, जिस रास्ते या जगह से गुजरना मुश्किल हो। शाहरा, बड़ी सड़क या रास्ता। सनत, इंडस्ट्री। नेक्स्ट अब हम इल्फाज जुमले करेंगे जी। क्लास नेक्स्ट हमने करने हैं जो इल्फाज मानी हुई है उन्हीं इल्फाज से हम जुमले बनाएंगे। फर्स्ट वर्ड का बर्फपोश, दिसंबर में मरी के बर्फपोश पहाड़ बहुत खूबसूरत मंजर पेश करते हैं। नेक्स्ट है नादिर, चीन से बहुत सी नादिर अशिया फरोख्त के लिए मंगवा ली जाती हैं। नेक्स्ट है नायाब, हीरा एक नया पत्थर है। नेक्स्ट है दुश्वार गुजार, शाहरा रेशम की तामीर का काम इंतहाई दुश्वार गुजार था। शाहरा रेशम को दुनिया का आठवां अजूबा कहा जाता है। नेक्स्ट है सनत, पाकिस्तान की सनत तरक्की पजीर है। क्लास इल्फाज मायने और जुमले हो गए, यहाँ हमारा फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी मुकम्मल मशक करेंगे। मशक में आप लोग बुक पेज नंबर 10 ओपन कीजिएगा। बुक पेज नंबर 10 पे लिखा हुआ क्वेश्चन, इल्फाज को लुगत की तरतीब से लिखिए। लुगत की तरतीब क्या होती है? हरूफ तहजी अलिफ बे पे की तरतीब। कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं, रेशम, दुनिया, बुलंद, नादिर, शाही, फखर, कारनामा, सफर। आपने इनका फर्स्ट हरूफ देखना है। जैसे रेशम का फर्स्ट हरूफ है रे, दुनिया का दाल, बुलंद का बे। इस तरह हरूफ तहजी में सबसे पहले अलिफ आता है, अलिफ से कोई वर्ड होगा वो फर्स्ट नंबर पे आएगा, अलिफ से नहीं है बे से है तो बे वाला लिखेंगे। इसी तरह आपने बिल्कुल एज इट इज सारे वर्ड्स का फर्स्ट वर्ड देख हरूफ देख के तरतीब देने हैं इन अल्फाज की। तो तरतीब ये बनती है, बुलंद, दुनिया, रेशम, सफर, शाही, फखर, कारनामा, नादिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन अल्फाज का आपस में ताल्लुक है उन्हें साथ साथ लिखिए। कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं, ऊंट, कराकरम, ताजिर, पहाड़, तजारत, सवार। देखिएगा किसका किसके साथ ताल्लुक है। ऊंट पे सवारी की जाती है इसलिए ऊंट का ताल्लुक सवार से है, ताजिर तजारत करता है इसलिए इन दोनों का आपस में ताल्लुक है। नेक्स्ट है कराकरम, पहाड़, कराकरम पहाड़ का नाम है इसलिए इसका ताल्लुक इससे है। क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इन अल्फाज की वजाहत कीजिए। क्वेश्चन में आपको कुछ अल्फाज लिखे होंगे, आपने उनके वजाहत करनी है, इसका क्या मतलब है। बेश बेश, इसकी वजाहत है आगे आगे। बेश कीमत, बहुत कीमती। अजीमुल शान, बहुत बड़ा। दुश्वार गुजार, मुश्किल रास्ता। बैन अल-अक़वामी, दूसरे मुल्कों के माबैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इस सबक में से मुरक्कब अल्फाज तलाश करके लिखिए। मुरक्कब अल्फाज, मुरक्कब होता है दो अल्फाज का मजमूआ, दो अल्फाज को इकट्ठा करके लिखा जाए। जैसे फर्स्ट वर्ड है, इस सबक में जो अल्फाज यूज हुए हैं मुरक्कब अल्फाज आपने वो लिखने हैं। सबक रीडिंग करते हुए आपको पता चला होगा, जैसे फर्स्ट वर्ड है बुलंदतरीन, बर्फपोश, मेहनतकश, दुश्वार गुजार, अजीमुल शान, बेशकीमत। जी क्लास बुक पेज नंबर 11 पे है क्वेश्चन, मुजक्कर और मोनस अलग अलग लिखिए। कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, जैसे फर्स्ट वर्ड है रियासत, मुल्क, रास्ता, तरक्की, तजारत, दुकान, बाजार, कागज। इनमें से जो मुजक्कर हैं वो आपने अलग करने हैं और जो मोनस हैं वो अलग करने हैं। मुजक्कर देखिएगा,
रास्ता, रास्ता वर्ड मुजक्कर है। रास्ता का अगर आप जुमला बनाएं तो उससे आपको वाजह होगा कि ये कैसे मुजक्कर है। मरी का रास्ता बहुत दुश्वार गुजार है, मुजक्कर। बाजार कागज मुजक्कर हैं। तरक्की मोनस है, तजारत मोनस है और दुकान भी मोनस है। क्लास आपको जो मैं मश करवा रही हूँ, आपने उर्दू की नीट कॉपीज में इसको बहुत अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन वे में लिखना है, ताकि जब स्कूल रीओपन हो आपको भी आसानी हो और मुझे भी आसानी हो। नीट वे में करेंगे, चेक करने में आसानी होगी, आप लोगों का टाइम नहीं वेस्ट होगा। बहुत अच्छे तरीके से इसको याद भी रखें और काम भी करें।